भोपाल में हाल यह है कि सीएम हाउस भी तूफानी बारिश और हवाओं की चपेट में है। यहां पर एक विशाल पेड़ गिर गया, उसके बाद क्या हालात है इस रिपोर्ट में आप देखें। भोपाल में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्यमंत्री निवास के सामने एक बड़ा पेड़ धराशायी हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल की, मुख्यमंत्री निवास जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहते हैं उस घर के ठीक सामने ये एक बड़ा पेड़ धराशायी हुआ है। और आपको बता दें कि यहां पे पूरा अमला अब जुट गया है इस पेड़ को हटाने में। ये एक बहुत बड़ा पेड़ था जो रात भर से मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके बाद गिरा। देखिए ये बिजली की तारें जो है वो इस पेड़ की वजह से टूटकर सड़क पर गिर गई है। फिलहाल ये पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे जुट गया है इस सड़क को खाली करने के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बारिश हो रही है उसने कई रिकॉर्ड पुराने तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 190 मिलीमीटर बारिश भोपाल में हो चुकी है। और ये जो तस्वीरें हैं ये मुख्यमंत्री निवास के बिल्कुल सामने की है। और ये देखिए, ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री निवास है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ रहते हैं पिछले कई सालों से जो मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पे वो रहते हैं। और इस मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने ये बड़ा पेड़ धराशायी हुआ है। आप बिजली के तारों को देख सकते हैं, ये बिजली के तार हैं जो पेड़ गिरा है उसकी वजह से अब ये तमाम बिजली के तार ये सड़क पर गिर गए हैं, बिखर गए हैं हवा में। अब उन लटकते तारों को आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने की है। बेहिसाब बारिश भोपाल में हो रही है और ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का कोई भी हिस्सा जो है वो इस भीषण बारिश में मूसलाधार बारिश से बचा नहीं है। फिर भले ही वो दूरदराज के इलाके हो या वीवीआईपी कहे जाने वाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आधिकारिक निवास हो। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। आधे से ज्यादा एमपी में इस वक्त तूफानी बारिश हो रही है और जबरदस्त रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 39 जिलों में रेड अलर्ट है और देखिए भोपाल के साथ कैसे दूसरे जिले भी जोरदार बारिश और बाढ़ की चपेट में। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी, डूब गए मंदिर। इस मंदिर का हाल तो और भी बुरा है, मंदिर के सिर्फ शिखर नजर आ रहा है। यहाँ मंदिर की जगह सिर्फ नागराज का फन नजर आ रहा है। ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी की तस्वीर है। डिंडोरी जिला मुख्यालय समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले की मुख्य और सबसे बड़ी नदी नर्मदा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर जोगी टिकरिया पुल पर ऊपर से पानी बहने के चलते डिंडोरी जबलपुर मार्ग बाधित हो गया है। नर्मदा नदी में बरसात के मौसम पर पहली बार आई विशाल बाढ़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं जिला पुलिस बल सभी संभावित स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर मौजूद है। जिला पुलिस नगर के मध्य स्थित नर्मदा पुल एवं टिकरिया पुल पर तैनात है। ये लगातार बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो पुलिस ने यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाई है, रस्ते से इस स्थान को कवर कर रहे हैं कि लोग आगे ना जाएं। आगे भी हमने कई जगह अपना स्टाफ को लगा के रखा है कि अनावश्यक जो यहाँ पे वाहन वगैरह है वो ना आए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि किसी भी तरह की जान माल की यहाँ पे कोई हानि ना हो बाढ़ की वजह से। ये तस्वीर भी नर्मदा के उफान की है, लेकिन शहर अलग है। ये मध्य प्रदेश का मंडला है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से मंडला जिले में नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा के हाहाकारी स्वरूप की तस्वीर देखिए। नदी में उफान है और पुल से गुजरता ट्रैफिक डरावना मंजर दिखा रहा है। मंडला में नर्मदा के तमाम घाट जलमग्न हो चुके हैं, सिर्फ ऊंचाई पर बने मंदिर बचे हुए हैं, लेकिन ये मंदिर भी 2 तरफ से पानी से घिर चुके हैं। नर्मदा के उफान का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये मंदिर पूरी तरह डूब चुका है, सिर्फ मंदिर के ऊपर लहराती पताका नजर आ रही है। झूला पुल से भी नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ निचली बस्तियों से होता हुआ पानी सड़क तक पहुँच गया है। लोगों का मानना है कि ऊपरी इलाकों में बारिश होने से नर्मदा का जल स्तर और बढ़ सकता है। ये बारिश भारी मात्रा में हो रही है, इसी कारण से नर्मदा जी अभी रौद्र रूप धारण कर चुकी है और अब देखने को ये मिल रहा है कि
चारों तरफ बारिश, नदी नाले उफान पे हैं, कान्हा से कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है, सारी ओर पानी ही पानी है। अब इन बस्तियों में ये समस्या रहती है कि जब पानी आता है तो गरीब जो घर है वो निचली बस्तियों के घर में पानी घुसना चालू हो जाता है, तो रात में इनकी समस्या होगी, इनकी व्यवस्था अपने को बनाना पड़ेगा। खाना पानी की प्रशासन से अनुरोध है कि इनकी व्यवस्था बनाना शुरू कर दे। हालात को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा में भी रविवार को मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए। ब्यावरा शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद नगर निगम, पुलिस और प्रशासन समेत अन्य टीमों को रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ा। इंदिरा नगर के एक दूसरे छोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हुए हैं और ये बेहद डरा देने वाली तस्वीर है। ये आप देखिए, अजनान नदी दूसरी तरफ बह रही है घर के, लेकिन उसके ठीक पहले ये जो मकान है वो पूरी तरीके से नदी के पानी में डूब चुका है। लोग जैसे तैसे अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं, ऊपर छत पे वो खड़े हुए हैं तमाम लोग, क्योंकि नीचे घरों में पूरी तरीके से पानी घुस चुका है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पीछे की तरफ अगर आप देखें इन लोगों के, तो पीछे आपको अजनान नदी बहती हुई दिख जाएगी। मध्य प्रदेश के कई जिले फिर से बारिश और बाढ़ की चपेट में है। नर्मदा समेत दूसरी नदियां उफान पर है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। डिंडोरी से डेविड सूर्या, मंडला से सैयद जावेद अली के साथ रविश पाल सिंह, राजगढ़ आज तक।